जब भी कोई एयरक्राफ्ट एनिमी टेरिटरी में एंटर करता है तो उसे जनरली सरफेस टू एयर मिसाइल या एयर टू एयर मिसाइल से गिराया जाता है। ये मिसाइल्स जनरली इंफ्रारेड यानी आयर गाइडेड मिसाइल्स होती है, मतलब ये हीट सीकिंग मिसाइल्स होती है जो एयरक्राफ्ट के एग्जॉस्ट के हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट करके एयरक्राफ्ट के इंजन को हिट करती है। अब ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए फ्लेयर्स को यूज किया जाता है। पायलट फ्लेयर्स के साथ शार्प मेन्यूवर्स परफॉर्म करता है और इंजन की पावर भी थोड़ी कम कर देता है ताकि मिसाइल को एयरक्राफ्ट इंजन और फ्लेयर्स में डिफरेंस ना पता चले एंड मिसाइल अपने टारगेट को हिट ना कर पाए। इन फ्लेयर्स का टेम्परेचर एयरक्राफ्ट के इंजन के टेम्परेचर से काफी हाई होता है या मिनिमम उसके इक्वल होता है। दरअसल आजकल आयर गाइडेड मिसाइल में एडवांस सेंसर्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं जो आराम से लास्ट मूवमेंट में इंजन और फ्लेयर्स में डिफरेंस पता लगा सकते हैं, तो इसलिए फ्लेयर्स का टेम्परेचर काफी हाई भी नहीं होना चाहिए। फ्लेयर्स एक पैसिव डिफेंस सिस्टम की तरह काम करती है।